अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी समर स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है, नॉर्मल ठंडा पानी है ये। और मैंने यहाँ पर लिया है हाफ टी स्पून जितना सब्ज़ी के बीज, यानी कि इसको तुलसी के बीज भी बोलते हैं, उसको मैंने डाल दिया है पानी के अंदर। पानी के अंदर डालकर हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से भीग जाएंगे। ये भीगने के बाद अच्छे से फूल कर अच्छे से फूल जाएंगे, इसलिए मैं इसको मिक्स कर 2 मिनट के लिए भीगने के लिए साइड पर रख दूंगी सबसे पहले। और मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 लीटर जितना पानी। आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप पानी ले लीजिएगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप जितना चीनी। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से मैंने चीनी ऐड किया है। आप जितना मीठा आपको चाहिए उतना मीठा ड्रिंक आप बना सकते हैं इसमें। और इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 नींबू। नींबू की क्वांटिटी भी आप अगर थोड़ा सा खट्टा ड्रिंक आपको पसंद है तो आप इसमें नींबू थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर 1 नींबू मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं यहाँ पर 1 नींबू ऐड कर रही हूँ। नींबू ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बन जाता है ड्रिंक। और इसको मिक्स कर दूंगी मैं यहाँ पर। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। मिक्स करने के बाद यहाँ पर अभी भी सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ग्लास को जो है वो थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में नमक ले लिया है। और इसको देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का जो छिटा है ना उसको लगा दिया था इसके ग्लास के ऊपर, तो इसको आराम से नमक जो है वो चिपक जाता है। आप चाहे तो ऐसे भी सर्व किया कर सकते हैं। देखिए मैंने दोनों ग्लासेस को जो है वो नमक से कोट कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही करें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लुक अच्छा करने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब ये देखिए जो मैंने बीन्स जो है वो भिगोए हुए थे वो अच्छे से भीग गए हैं। आप देख सकते हैं फूल कर कितने अच्छे से बढ़िया से हो गए हैं। अब मैं ग्लास में इसको 2-2 टीस्पून फुल मैं इसको डाल रही हूँ यहाँ पर 1-1 ग्लास के अंदर। डालने के बाद मैं जो यहाँ पर चीनी और नमक का जो ड्रिंक हमने बना कर रेडी किया था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए आप चाहे तो इसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट और आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से बना रही हूँ। आप इसको लेमन जूस बोल सकते हैं, यहाँ पर ये लेमन जूस ही है। लेकिन ये समर में बहुत ही बढ़िया सा हमारे बॉडी को ठंडक देता है और हमें राहत मिलती है। इस वजह से ज़्यादा आप इसको बना कर रख कर इसको यूज़ कर सकते हैं आप। बहुत ही मज़े का और बहुत ही बढ़िया सा जो हमने बीन्स डाला है ना उससे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगते हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन सुमामीन। अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।